लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तेजली गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जानकारी मिल पाई थी कि माता जी डेरा बाबा सत्संग ब्यास के सत्संग भवन में सेवा करने के लिए गई थी, और जिसके बाद सूचना मिलती है और माता जी आकर देखती हैं तो उनके बेड में रखे 30,000 रुपये कोई चोर जो है रफू चक्कर हो जाते हैं लेकर। आप लोग देख सकते हैं कि माता जी का सिर्फ बेड ही खंगाला गया है। जानकारी ये मिल पाई थी, आप सभी को जानकारी दे दें कि बेड पर जाई भी रखी हुई थी, और किस तरीके से आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि बेड का गद्दा हटाकर बेड का बॉक्स खोलकर माता जी के 30,000 रुपए एक सोने की चैन और एक मुंद्री यानी कि एक अंगूठी लेकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। शाम की घटना बताई जा रही है, डेरा सत्संग ब्यास के सत्संग भवन तेजली में माता जी गई थी। पास में ही तेजली का सत्संग भवन लगता है, जिसमें माता जी के 30,000 रुपए एक सोने की 1.5 तोले के लगभग की चैन और एक अंगूठी लेकर चोर रफू चक्कर हो जाते हैं। क्या कुछ हुआ था पूरा मामला? हाँ जी, क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। क्या कुछ फार्मूला हुआ था जी? हम 4 बजे यहाँ से निकले हैं सत्संग, मैं दुकान पे चला गया, ये सत्संग पे चले गए। जब उसके बाद 5:15 बजे ये लोग घर आए हैं ना, अच्छा, तो उन्होंने सब्जी दुकान से लेके आए घर, देखा तो सामान खिलरा पड़ा, दरवाजा खुला पड़ा, तो ये भागे भागे दुकान पे चले गए। हाँ जी, क्या क्या लेके गए हैं आपका यहाँ? एक तो चैन थी जी, 1.5 तोले की, एक अंगूठी आधे तोले की है, 30,000 कैश। ताला वगैरह नहीं लगा था कदरवाले? नहीं, ऐसे ही भेंट देते थे रोज लेके। हाँ, आप हमेशा जाते थे सत्संग? हाँ जी, हमेशा जाते थे। तो किसी को नहीं, सत्संग पे तो ये लोग जाते थे इतवार को और बुधवार को, ये लोग वहाँ दुकान पे सब्जी लेने जाते थे। क्या लगता है कोई कौन हो सकता है ये सब करने वाला? इस समय यही होते हैं और कौन? आपका क्या काम है अंकल? हमारी परचून की दुकान है और सब्जी की दुकान। परचून की दुकान है? क्या कुछ लगता है? क्या कुछ लगता है? क्योंकि भेदी का ही काम लग रहा है, जिस तरीके से वही सामान खंगाला गया है जहाँ पर किसी को पता हो कि पैसे जरूर रखे हैं। आपको अब ये समय की क्या कह सकते हैं, गली में सारे बाहर बैठे होते हैं। शाम को 2 लड़के बाहर किसी से पूछ रहे हैं, हमने गदौली गांव में जाना, हमें रास्ता बता दो। अच्छा, तेजी में मोटरसाइकिल पे। अच्छा, वो लोग घबरा गए एकदम, निकल गए बाहर। अच्छा, अब ये नहीं पता इधर को निकले या उधर निकले। तो आपको उन पे ही शक लग रहा है? अब क्या कह सकते हैं जी? जी, मौके पर पुलिस आई है, पुलिस ने क्या कुछ आश्वासन दिया? आपने कंप्लेंट लिख कर दे दी है अभी? नहीं, अभी तो कंप्लेंट नहीं, अभी तो पूछताछ करी उन्होंने। क्या कुछ कहना चाहेंगे? करके चले गए, कह रहे हैं वहाँ जो कंप्लेंट लिखा देना। आप संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? अभी जो कार्रवाई करेंगे करेंगे सर, परेशानी वाला काम कर देते हैं, गरीब आदमी दुकानदार आदमी है, क्या करेंगे बेचारे। अच्छा अच्छा, क्या हुआ था? कूलर भी खुला सीगा। अच्छा, बैठे देखते इतने खुला सीगा। हमेशा जाते हो आंटी जी? हाँ जी, मैं हमेशा जाती हूँ। तो पहली बार ऐसा लग रहा है किसी की जानकार का काम तो नहीं लग रहा? नहीं, जानकार का। उन्हें पता था कि आप यहीं पे रखते हैं सामान? हाँ, लग रहा है। आपके घर में और कौन कौन रहता है माता जी? मैं मेरा घर वाला था, मैं जानकारी मिल पाई थी। आप कहाँ थी जब ये चोरी की घटना? मैं सत्संग कर गई थी। अच्छा, ब्यास वाले बाबा जी? हाँ जी, ब्यास वाले बाबा जी। क्या कुछ पूरा मामला हुआ बताइए एक बार। 3,000 कैसी थे मुंद्री से चीजें चैन नहीं सी। कितने रखे हैं इसी तुझे? हैं मुंद्री से उठे भैया सी डब्बे ची पे सी के। अच्छा, इतना बंद सी ये सोने के हैं सारे? हैं सोने के हैं ये? ये सोने के नहीं, जड़ी चोरी हुई सोने दे सी। हाँ, सोने दे सी। किसी नु पता सी का चैनी दे मुंद्री सी? नहीं, किसी नु पता सी का? नहीं, खुले छोड़ दे। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से डब्बे के अंदर से, जी हाँ, सोने की चेन और एक अंगूठी चोरी कर कर रफू चक्कर हो जाते हैं। माता जी सत्संग में जाती हैं, डेरा बाबा ब्यास जी को मानती हैं और पास में सत्संग में जाती हैं, और किस तरीके से इन्हें सूचना मिलती है कि इनके घर। आपको कैसे पता चला कि चोरी हो गया? आपने आके देखा? मैं आकर देखा। अच्छा, आपका हस्बैंड क्या काम करते हैं? बच्चे ऊपर दुकान है, किराए पे है। अच्छा, और आप यहाँ पे किराए पे रहते हो? 22 साल हो गए किराए में रहते हूँ यहाँ से। हाँ, जहाँ पे नहीं रहती हो, जगह जगह घूमती हूँ। तो किराए पे रहती हूँ। काम क्या, आपके घर वाले क्या काम करते हैं माता जी? दुकान करे दुकान थे जी, नाल रस्सी दूजी है।
कौन है? आपको किसी पे शक है? हैं? आपको किसी पे शक है? शक तो कोई नहीं। आज शाम को कुछ चोरी हो गई है, जो यहाँ पे आके देखा है कि भाई लगभग 30,000 रुपये कैश बता रहे हैं और एक सोने की चैन बता रहे हैं कि भी चोरी हो गई है। ये घर पे अपना जिनके घर से चोरी हुई है उनकी किराने की दुकान है गांव के मोड़ पे ही जी। दोनों पिताजी और उसका लड़का अपना किराने की दुकान पे थे, माता जी उनके सत्संग गए थे, जो घर में खुला छोड़ के चले गए थे पीछे से। सर किसी पे शक वगैरह है घर वालों को? घर वाले तो अभी किसी को शक जाहिर नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी क्योंकि घर का ज़्यादा सामान ना बिखरने के कारण सिर्फ एक जो प्रॉपर जगह से लग रहा है कि भाई किसी जानकार के द्वारा चोरी की गई है। तो क्या कर रहे हैं? इसमें इनको कंप्लेंट देने को कहा है जी, उसके बाद FIR लॉज करके इसमें कार्रवाई शुरू कर दें। सर सूचना 112 पर आई थी या फिर? हाँ सर 112 से सूचना। ठीक है सर, थैंक यू। प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से महिला के डब्बे में से, जी हाँ, पाई पाई कर अपनी बहु बेटियों के लिए गहना जोड़ा था माता जी ने, और किस तरीके से इस डब्बे में से, जी हाँ, 10-10 रुपए गुल्लक में जोड़ा करती थी माता जी, और किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। आप सभी को जानकारी दे दें, एक सोने की चेन, जी हाँ, माता जी की एक सोने की चेन और आधे तोले की अंगूठी लेकर चोर इस तरीके से रफू चक्कर हो जाते हैं। आप सभी को जानकारी दे रहे हैं कि चांदी का कड़ा तो यहां पर छोड़ जाते हैं, लेकिन माता जी का सोने का सामान आप लोग देख सकते हैं कि माता जी कह रही हैं कि बाप बेटा और उनका पति दिन भर जो है मेहनत कर कमाई करता है, और उनकी कमाई को किस तरीके से माता जी ने गुल्लक में 10-10 रुपए के नोट भी रखे हुए थे, बच्चों के खर्चे के लिए रखती थी, लेकिन किस तरीके से 1.5 से 2 तोले सोने की और 30,000 रुपए की चपत लगाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं माता जी भर काफ़ी परेशान नज़र आ रही हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है और उस मेहनत की कमाई अगर कोई चोर उचक्का लुटेरा ले जाता है तो उस महिला को बहुत दुख आता है, क्योंकि मेहनत की कमाई एकदम से नहीं बल्कि इन सालों की कमाई हुआ करती है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो हम मुझे हमको दे दीजिए इजाजत, बने रहे RBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।